तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब स्टोरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ SSC MTS रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट डेट घोषित हो गया। किस डेट को आपका रिजल्ट है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कट ऑफ है आपका 2014-2017 में ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहा था, 2019 में आपका कट ऑफ क्या रहेगा, लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 में क्या रहेगा मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस है, जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, SSC MTS 2019-20 यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड। और फ्रेंड्स आपके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपके पिछले साल का कटअप क्या था, इस साल आपका क्या कटअप जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सब तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लेते हैं ये अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट आज ही का निकल के आया हुआ है, 10/8/2019 यानी कि आज ही का अपडेट है फ्रेंड्स। इसलिए कहते हैं आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपसे स्टेप बाई स्टेप बात कर लें। आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा SSC MTS रिजल्ट 2019-20। तो यहाँ फ्रेंड्स हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, आपको मिल जाएगा तो कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, कब से कब ये अप्लाई ऑनलाइन हुआ था, ये भी आपको डेट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा इसका एग्ज़ाम कब से कब चला था। यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, आपको देखने को मिल जाएगा कब से कब इसका एग्ज़ाम चला था, आप देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स आप इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, कब आएगा मैं आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका सीरियल नंबर और यहाँ पर रिजल्ट का नाम मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टायर फर्स्ट रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा और डेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स सेंट्रल रीजन का आएगा, अवेलेबल होगा 25 अक्टूबर को, और ईआर रीजन का भी आपको 25 को, ये यहाँ पर KKR रीजन का भी आपको 25 को। तो फ्रेंड्स सारे रीजन का यहाँ पे आपको 9 रीजन देखने को मिल जाएंगे, सारे रीजन का यहाँ पे आपको 25 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पर मैं जैसे आएगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। और यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी इसके ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे और यहाँ से आप चेक करते रहिएगा। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया यहाँ पर बताई कि मैंने इस पर पहले से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे बात करते हैं नीचे आने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा रिजल्ट अवेलेबल आपको 25/10 को होगा, इसी मंथ में 25 को आपका रिजल्ट आएगा। जैसे आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर की आपको डाउनलोड आपने देख लिया होगा, इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कैसे आपको आंसर की देखना है, लेकिन इसका लिंक अभी हटा दिया गया यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स, इसके बाद कट ऑफ आपका क्या रहेगा, इस साल क्या रहेगा, पिछले साल क्या रहा था, पूरी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देंगे। तो चलिए कट ऑफ के आगे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लेते हैं SSC MTS कट ऑफ मार्क्स के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ मार्क्स 2019-20 मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जाम मेरिट लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपडेट आज ही का आया है। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपसे इसके बारे में स्टेप बाई स्टेप बात कर लेते हैं। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नेम मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका जो रिक्वायरमेंट कब से कब आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था, सारी डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे बात कर रहे हैं SSC MTS टायर फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2019। यहाँ फ्रेंड्स 2019 में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है मैं यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आपसे बात कर रहे हैं इसका ऑफिशियल कट ऑफ अभी यहाँ पर नहीं बताया गया, अवेलेबल सुन देखा जा रहा है। जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ आएगा आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं जनरल का। तो जनरल का फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कट ऑफ जाएगा लगभग 75 जाएगा, तो ये आप सही है फ्रेंड्स, आप इसको सही से देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर ले OBC कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप OBC हैं तो आप इसको देखिएगा, आपका जो कट ऑफ जाएगा 72 जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके बाद फ्रेंड्स ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर ले SC का, अगर आप SC हैं तो आप इसको सही से देख लीजिएगा, आपका जो कट ऑफ जाएगा 70 जाएगा और ये ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पर नहीं बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लेते हैं ST कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप ST से हैं तो आप इसको सही से देख लीजिएगा, आपका जो कट ऑफ जाएगा 62 जाएगा। वहीं फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा यहाँ पे कोई अवेलेबल सुन अभी दिखाई जा रहा है, ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पे आपको नहीं बताई गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये 2019 का कट ऑफ हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लें पिछले साल का कट ऑफ के बारे में। SSC MTS प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स 2017 का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, 2017 में क्या कट ऑफ रही थी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको मिल जाएगा देखने को 2017-16 कट ऑफ। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स मैं आपसे बात करता हूँ
यहाँ पे आपका क्या कटअप रहती है जनरल का फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कटअप, ऑफिशियल कटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो एक्सपेक्टेड कटअप बताया गया था 91 से 102 था और इसका ऑफिशियल कटअप फ्रेंड्स 110 था, तो आप इसको सही से देख लीजिएगा। ओबीसी का कितना था यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और नीचे आते हैं फ्रेंड्स, आपसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। जैसा फ्रेंड्स देख सकते हैं 2014 में यूपी बिहार का सेंट्रल जोन का कितना कटअप था यहाँ पर, उसके बाद फ्रेंड्स 2014 में यहाँ पर देख KKR कर्नाटका केरला का क्या कटअप था यहाँ पे आप क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा 9 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी नेट यहाँ पे। जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल कटअप का पेज PDF ओपन होकर आएगा। जैसे फ्रेंड्स यूपी का क्या रहा था यहाँ पे, जनरल का 112, ओबीसी का 110, एससी का 100, उसके बाद एसटी का 87, तो आप इसको सही से देख लीजिए। यूपी का क्या था यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का, तो आप जाकर के आसानी से एक एक रीजन का देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये यूपी बिहार सेंट्रल रीजन का है, वैसे ही फ्रेंड्स आपको सारे रीजन का यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जितना भी रीजन है कोलकाता रीजन सबका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे अपडेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ।